ईशा की नमाज की अगर सुन्नतें रह गई हों जमात खड़े होने की वजह से, तो क्या उनको बाद में पढ़ सकते हैं ईशा के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद, यानी ईशा की जमात होने के बाद? तो ईशा की जो चार सुन्नतें पहले की हैं उनकी कज़ा नहीं होती, यानी कज़ा नहीं होती, फिर बाद में उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर पढ़ेंगे तो फिर वो हैं तो मुस्तहब, अगर पढ़ें ठीक है, लेकिन नहीं पढ़ें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि ये सुन्नत जो कज़ा हो गई फ़र्ज़ से पहले, जिनका वक्त था तो वो फ़र्ज़ से पहले ही वक्त था, अब फ़र्ज़ के बाद उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सुन्नतें अगर कज़ा हो गई, फ़र्ज़ पढ़ ली ईशा के, तो फिर आगे की सुन्नतें और वित्र वगैरह पढ़ने चाहिए। अब अपनी कज़ा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान, विजिट करें qazacalculator.smsfarsi.com पर, और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम कज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें।